न थके हैं पांव भी ना ही हिम्मत हारी है, न थके हैं पांव भी ना ही हिम्मत हारी है। हमने देखे हैं कई दौर, अरे हमने देखे हैं कई दौर, और आज भी संघर्ष जारी है। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे। दोस्तों, आज आप सभी के लिए काफी अच्छा न्यूज है, गुड न्यूज है, खास करके उन स्टूडेंट्स के लिए जो इससे पहले जो असम राइफल की भर्ती आई हुई थी उसमें किसी कारणवश से चूक गए हो, किसी कारणवश से उनका रह गया हो सिलेक्शन होना, तो उनके लिए खास तौर पर एक नई भर्ती आ गई है दोस्तों 2022 की। और दोस्तों आपको एक बात और बता दें कि असम राइफल एक ऐसा ब्रांच है, ऐसा भर्ती रैली भर्ती है जो कि साल में 2 बार भर्ती आती है, ठीक है। तो फिर से आप लोगों के लिए आ गया है 2022 का नया अपडेट, नई भर्ती रैली दोस्तों। इसके बारे में आपको हम पूरा डिटेल बताएंगे कि क्या है भर्ती, कब से आने वाला है, क्या क्या कुछ इसमें हो सकता है, क्या क्या पोस्ट है, तमाम इस फॉर्म से जुड़ी हुई जानकारी दोस्तों आपको हम आज इस वीडियो में देंगे। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों कि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक बिना स्किप किए हुए देखेंगे, ताकि आपका जो डाउट है असम राइफल से इस फॉर्म के बारे में डाउट हो वो इसमें क्लियर हो सके। दोस्तों मैं हूं सोनू पाल, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट फर्स्ट पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों इससे पहले भी आपने देखा होगा असम राइफल के बारे में सबसे पहला अपडेट हमने ही दिया, और इसके बाद भी जो भी भर्ती आएगी उसके बारे में भी हम लोग अपडेट आपको देने का प्रयास करेंगे सबसे पहले और सटीक जानकारी। तो दोस्तों देखिए 2022 की भर्ती अब ऑफिशियल साइट पे आ गया है कि भर्ती है कि 2022 में आने वाली है। तो देखिए इसका एप्लीकेशन जो है कि वो भरना स्टार्ट कब से होगा, ठीक है। सबसे पहले आप लोग यही जान लीजिए कि एप्लीकेशन सही है या गलत है। तो दोस्तों ये आप कंफर्म नोटिफिकेशन है और ये ऑफिशियल साइट पे भी आ गया है, आपको अभी हम कुछ देर बाद आपको हम एक पेज भी दिखा देंगे ऑफिशियल साइट का, उससे आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए ये भर्ती जो है दोस्तों आप लोगों का 2022 में आने वाली है, सितंबर में इसका फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा, इसको आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं सितंबर में, सितंबर 2022 में, ठीक है। जो भी सितंबर महीना आने वाला उसमें इसका फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। हालांकि ये डेट जो है कि टेंटेटिव है, हो सकता है कि 2-4-10 दिन का आगे पीछे हो सकता है, ठीक है, लेकिन ये कंफर्म हो गया है कि भर्ती आ रही है। और देखिए दोस्तों भर्ती कितने पोस्टों के लिए आ रही है, पहले आप ये देख लीजिए कि 1380 पोस्ट के लिए आ रही है, यानी अभी जो भर्ती चल रही है असम राइफल की उससे भी ज्यादा पोस्टों के लिए भर्ती आ रही है। अभी तो 1230 पोस्ट के लिए भर्ती चल रहा है, लेकिन अब जो आने वाली है वो 1380 पोस्ट के लिए भर्ती आने वाली है, ठीक है। दोस्तों ये आप समझ गए कि 1380 पोस्ट के लिए भर्ती आने वाली है। अब देखिए दोस्तों इसमें जो भर्ती आ रही है वो इससे पहले जो ट्रेड्समैन का भर्ती चल रहा था, लेकिन अब जो है कि ट्रेड्समैन का भर्ती नहीं आएगा, इसमें बहुत सारे अलग अलग पोस्ट है, जैसे कि क्लर्क का हो गया, रेडियो ऑपरेटर का हो गया, रेडियो मैकेनिक का हो गया, नर्सिंग असिस्टेंट के लिए हो गया, इसमें दोनों के लिए है, बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए आने वाला है ये भर्ती, ठीक है। और जो क्वालिफिकेशन होगा इसमें सिर्फ 10th पास होगा क्वालिफिकेशन, ठीक है। अगर आप 10th पास भी हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, इसमें अलग अलग पोस्ट के लिए भर्ती आ रही है, तो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट है। जैसे इससे पहले भी आया था कि ट्रेड्समैन के लिए 10th पास था और कलर के लिए टाइपिंग खोजा गया था शायद, ठीक ना। तो इसी तरह अलग अलग पोस्ट है, 6-7 पोस्ट के लिए भर्ती आ रहा है। आप जैसे कि ये देख लीजिए, जैसे कि क्लर्क का सबसे अधिक पोस्ट इसमें है जो रेडियो ऑपरेटर का है आने वाला, ठीक है, उसमें 729 पोस्ट है। उसके बाद क्लर्क का है 287 पोस्टों के लिए क्लर्क का है, ठीक है। और इसी तरह से बहुत सारा नर्सिंग असिस्टेंट्स के लिए भी है 100, कुल मिला के आप लोगों का ये जो है कि 1380 पोस्ट के लिए भर्ती है दोस्तों, ठीक है। अभी आप लोग देख लीजिए वो ऑफिशियल जो साइट पे जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसको आप एक बार यहाँ पे देख लीजिएगा थोड़ा ध्यान से, उसमें आप देख सकते हैं कि वहां पे टेंटेटिव डेट भी लिखा होगा, ऊपर पर देखिएगा टेंटेटिव डेट भी लिखा हुआ है, उसके बाद यहाँ पे पोस्टर का नाम लिखा हुआ, जितना भी पोस्ट है, कलर का हो गया, रेडियो ऑपरेटर, रेडियो मैकेनिक, असिस्टेंट नर्सिंग, फिर और भी जितना भी सारा पोस्ट है, 7-8 पोस्ट पे भर्ती आ रही है, बहुत ज्यादा पोस्ट पे भर्ती है और अच्छी खासी भर्ती है दोस्तों, ठीक है। आप इसको देख लीजिएगा, ये बिल्कुल ऑफिशियल साइट पे आप जाइएगा अभी भी तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों इसमें क्या करना है आप लोगों को, देखिए अभी इसमें सिलेबस फुल नोटिफिकेशन नहीं दिया गया है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि जब जब से फॉर्म भरना स्टार्ट होता है तो उससे 1-2 दिन पहले आप लोगों को फुल नोटिफिकेशन मिलता है। तो जब भी फुल नोटिफिकेशन इसका आएगा तो उसके बारे में आपको बता देंगे कि इसका जो फिजिकल टेस्ट क्या होगा, रिटर्न एग्जामिनेशन में क्या क्या होगा। रिटर्न एग्जामिनेशन के बारे में हम आपको बता देते हैं कि जैसे कलर का एग्जाम हुआ था अभी, ठीक है, उसमें जैसा पेपर अभी आ रहा था उसी तरह का पेपर आएगा, जो सिलेबस होगा वो सेम होगा, हालांकि लेवल अलग अलग हो सकता है। हो सकता है दोस्तों फिजिक्स इसमें मैथ आता है आप लोगों का, जो
पैटर्न बता दे एग्जाम पैटर्न जो किस तरह का होगा। आप लोगों को इसमें ऑफलाइन एग्जाम होगा, देखिए असफ एफ जो भी एग्जाम होता है वो ऑफलाइन होता है, ठीक है। पहले आपको बता दें कि फॉर्म आप लोगों को ऑनलाइन भरा जाएगा, ठीक है। जब से भी भरा जाएगा आपको हम पूरा जानकारी आपको इस चैनल में मिल जाएगा दोस्तों, इसलिए आप इस चैनल से जुड़ जाए और घंटी बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया वीडियो आपको सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों देखिए आप लोगों को ये एग्जाम जो होगा ये ऑफलाइन होगा, चाहे वो क्लर्क का हो चाहे किसी भी पोस्ट के लिए हो। असम रेफर में जो भर्ती है हमेशा ऑफलाइन एग्जाम होता है, ऑफलाइन एग्जाम होगा। आप लोग पेन पेपर आपको लेकर जाना होगा, उसमें देखिए जो आप लोगों का पैटर्न रहेगा वो पैटर्न जो है सेम रहेगा, ठीक है। लेवल अलग अलग हो सकता है, मैथ रहता है आप लोगों का एग्जाम में, रीजनिंग रहता है और इंग्लिश रहता है और जीएस, ये चार सब्जेक्ट आप लोगों को प्रिपेयर करके जाना है, इसमें इन्हीं चार सब्जेक्ट में से आएगा, ठीक है। क्वेश्चन इससे पहले भी आप देखे होंगे, जो भी कलर का एग्जाम दिए होंगे उनसे भी आप देख सकते हैं, चाहे हमारे चैनल पे भी जाके आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन किस तरह का आता है, ठीक है। क्वेश्चन का लेवल हो सकता है ऊपर नीचे रहेगा, लेकिन पैटर्न जो है कि सेम रहेगा, ठीक है। उम्मीद करिए कि ये सब जो है जानकारी आपको अच्छा लगा होगा। और ये जो डेट है 22 तारीख को, जो आप लोग भी नीचे कमेंट कर रहे थे कि सर की नया भर्ती कब आने वाला है, आपको हम इससे पहले ही बता दें कि भर्ती बहुत जल्द आने वाला है। इसमें अगर पोस्ट बढ़ा तो ठीक है, नहीं बढ़ा तो बहुत जल्द है कि भर्ती आएगी। ऐसा हम कहें तो दोस्तों बिल्कुल वैसा ही हो गया है कि भर्ती अब आ गई है, इसका नोटिफिकेशन आ चुका है। हालांकि इसका टेंटेटिव डेट है, अभी कोई फिक्स डेट नहीं है इसमें कि फॉर्म कब से भरा जाएगा, लेकिन जब से भी भरा जाएगा दोस्तों, जब भी फुल नोटिफिकेशन आएगा आपको सारा कुछ बताएंगे कि पीटी और पीएसटी में क्या क्या मांगा गया है, फिजिकल कितना है या फिर क्या क्या उसमें है, सारा कुछ डिटेल आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा दोस्तों। तो उम्मीद करेंगे कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और पसंद आया होगा आपको। अगर किसी भी तरह का आपको कोई मन में डाउट है आपके इस फॉर्म से जुड़ा हुआ, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं दोस्तों, आपको हम सबसे पहले कमेंट का रिप्लाई, आपको हर कमेंट का रिप्लाई हम देने का कोशिश करते हैं दोस्तों, ठीक है। उम्मीद करेंगे कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को जरूर से शेयर करें दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं, लगभग 5 लाख कैंडिडेट ने इससे पहले एग्जाम दी असम राइफल का जो भर्ती है उसमें 5 लाख कैंडिडेट से ज्यादा लोग इसमें अपेयर हुए थे, ठीक है। तो इसलिए उन तक भी ये वीडियो पहुंचा है, वो भी बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि असम राइफल की जो भर्ती है उनको फिर से अटेंड करना था। आप लोग भी बहुत सारा कमेंट कर रहे थे, तो इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें दोस्तों। उम्मीद अब मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।